इसको अच्छा गर्म करना है। गर्म होने के बाद ही आटा में ना ऐड करना है। तेल एकदम खौला हुआ है, गर्म है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे इसको। इसे क्या है, वो पक गया जो रवा था ना, वो और अच्छे से पक गया। और इसको थोड़ा देर के लिए हम ऐसा ढक देंगे, ये भी पक जाएगा मैदा भी। थोड़ा ठंडा होने के बाद ही आटा सानना है इसको। ये तेल ठंडा हो गया, अब इसे हम आटा सानेंगे।